इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी अमल से मुतालिक मुशावरत जमात इस्लामी का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। इंतखाबात के हवाले से बातचीत जारी है। इससे कबल एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंचा। फारूक सत्तार की सरबराही में वफ्द ने इंतखाबी अमल पर मुशावरत की। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि जमात इस्लामी का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुँच गया है। आप देख सकते हैं कि साबिक रुकन कौमी असम्बली अफरीद पराचा और मियाँ असलम मौजूद हैं वफ्द में। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम अब्बासी, बताइएगा एमकेएम के बाद जमात इस्लामी का वफ्द भी पहुंच गया। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन के हवाले से बड़ी सियासी जमातें जो है पाकिस्तान की उनके साथ मशावरत का अमल जो है वो शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले में आज जो है वो एमकेएम का वफद आके पहले मिलके गया। उन्होंने अपने तहफात का इजहार किया, जो तहफात थे उनको वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। और दूसरी जानब जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आइंदा मुमकिन इंतखाबात के हवाले से जो है वो एतमाद में लिया एमकेएम के जो वफद था। अब जमात इस्लामी का वफद जो है वो इस वक्त इजलास जारी है उसका इलेक्शन कमीशन के साथ। इस इजलास के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी चार मेंबरान भी शामिल हैं, साथ में जो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर जो अमला है जो वो जमात इस्लामी का वक्त भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। मुशावरत होगी। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, बता रहे थे।